डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही बोर्ड एग्जामिनेशन की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस का, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम यहाँ दो प्रश्न को लिए हैं और हमने देखा है कि यह प्रश्न गेस्ट पेपर से कई बार पूछे गए हैं, इस तरह के प्रश्न। सो गाइज, आइए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, किसी परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 2 मीटर। मान लो ये कोई परिपथ है और इसमें विद्युत धारा I बराबर प्रवाहित होती है 2 एम्पियर, कितने समय तक? T बराबर 2 मिनट। तो आप जानते हैं जब हम क्वेश्चन को लगाते हैं तो MKS पद्धति में, यानी लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। तो 2 मिनट को हम सेकंड में बदल देंगे तो 2 × 60 बराबर हो जाएगा 120 सेकंड, ठीक है ना। क्या निकालना है? कुल प्रवाहित आवेश यहाँ लिखो, इसलिए Q बराबर यहाँ लिखो, चूंकि Q बराबर होता है I गुणे T, ठीक है ना, इसलिए Q बराबर हो जाएगा I की जगह पे 2 और T की जगह पे हो जाएगा 120, या Q बराबर हो जाएगा 12 × 24 240 वोल्ट, सॉरी आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो हो गया 240 कूलाम, यानी इस परिपथ में कुल प्रवाहित आवेश का मान कितना होगा? 240 कूलाम। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, ठीक है ना। I की जगह पे 2 रख दिया, 2 एम्पियर दिया था, और T की जगह पे 120 सेकंड हो गया, और 12 × 24 240 कूलाम हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, किसी परिपथ में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। जैसे मान लो ये कोई परिपथ है, इसमें I बराबर कितना प्रवाहित हो रहा है? 3 एम्पियर। तो इसका रेजिस्टेंस जो उत्पन्न हो रहा है, यानी R बराबर 2 ओम, तो कह रहा है परिपथ का विभवांतर क्या होगा, यानी V बराबर निकालना है। तो जानते हैं आप, चूंकि V बराबर क्या होता है? I इंटू R, यहाँ लिखो, इसलिए V इज इक्वल टू I की जगह पे 3 रख दो और R की जगह पे 2 रख दो, या V बराबर हो गया 3 × 6 वोल्ट, 6 वोल्ट हो गया 6 वोल्ट। देख कितना प्यारा क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन, और ये हो गया आपका आंसर। सो गाइज, इस तरह के क्वेश्चन को आप अपने टेक्स्ट बुक से रिवाइज करिएगा और साथ ही साथ आप मुझे अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। डियर फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।